हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। तो कल हमने अपनी क्लास जहां पर छोड़ी दिया वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने मोशन इन वन डायमेंशन के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व हम देख रहे थे, और हमने देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व होता है उसका जो स्लोप होता है वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है, अगर डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे है, टाइम एक्स एक्सिस पे है, तो जो स्लोप होता है वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है, ठीक है। उसका पहला केस हमने देखा कि अगर बॉडी रेस्ट पे है, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व कैसा होगा। देखिए, बॉडी अगर रेस्ट पे है तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम बढ़ता जाएगा, लेकिन बॉडी रेस्ट पे है तो बॉडी जहां पर थी वहीं पर रहेगी, राइट। तो टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका नहीं बढ़ रहा है, दैट मीन्स बॉडी इज एट रेस्ट। दूसरा केस क्या हो सकता है, मतलब आपका 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 ग्राफ कैसा मिलेगा, आपका ग्राफ मिलेगा पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। आपका ग्राफ क्या होगा, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होगी, ठीक है। दूसरा केस इसी में रेस्ट पे एक ये भी हो सकता है, अगर एस टी कर्व है आपका, तो अगर एस टी कर्व है तो पैरेलल ना होके कोलिनियर, मतलब उसी के ऊपर आपका ग्राफ बनेगा, मतलब टाइम के साथ साथ जो ग्राफ है ना, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन और ये टाइम एक्सिस वाली भी लाइन है, राइट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिकली दोनों ही बता रहे हैं कि बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस ये है कि सपोज ये है कैसे, ये एक ऐसे मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें सपोज क्या है, बॉडी अगर एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, सपोज एक्स एक्सिस पी की तरफ जा रही है, और अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट को ओरिजिन लिया है तो बॉडी यहां पर रेस्ट पे है कुछ दूरी पे जाके बॉडी रेस्ट पे है, तो जिस टाइम से आपने देखना स्टार्ट किया नाउ बॉडी इज एट रेस्ट, लेकिन ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से दूर है, राइट। तो ये वो डिस्प्लेसमेंट, ये वो डिस्प्लेसमेंट है जितना ये स्टार्टिंग पॉइंट से अभी दूर है, राइट। अब यहां पर देखिए, यहां पर एसटी कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर एसटी कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी रेस्ट पे है और इसका इस डिस्प्लेसमेंट भी इस समय जीरो है। डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब बॉडी रेस्ट पे है और बॉडी अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे ही है, तो बॉडी एक्चुअली ओरिजिन पे ही है, यही बस इन दोनों में डिफरेंस है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हमने केस देखा, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सीलरेशन जीरो होता है, एक्सीलरेशन जीरो होता है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, स्लोप कांस्टेंट हो गया, राइट। स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब टेन थीटा कांस्टेंट हो गया, और टेन थीटा मतलब थीटा कांस्टेंट हो गया, तो ये अब जो ग्राफ आएगा आपका वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ही होगा बट वो पैरेलल ना होके इंक्लाइंड है टाइम एक्सिस के, तो मतलब टाइम एक्सिस से कुछ एंगल थीटा बना रही है जो कि कांस्टेंट होगा। ये दो केस हमने देख लिए थे। अब देखिए, इसी में एक केस ये भी हो सकता है कि एक तो ये ग्राफ हो गया जिसमें कि आपका ग्राफ में क्या है, ये जो इंक्लाइंड लाइन है ये कांस्टेंट स्लोप की लाइन है। दूसरा केस ये भी हो सकता है एसटी कर्व, ठीक है, एसटी कर्व में यहां से ये भी एक कांस्टेंट स्लोप की लाइन है, अगर मैं देखूं तो दिस इज थीटा, तो ये भी एक कांस्टेंट स्लोप की भी लाइन है। इन दोनों में अगेन डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस वही है कि जब आपने एनालाइज करना स्टार्ट किया मोशन को, तो मोशन किस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, राइट, मोशन किस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, बस यही डिफरेंस है, राइट। मोशन किस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है इस केस में, सेकेंड केस में जब आप मोशन आपने एक्चुअली अगर मोशन ओरिजिन से ही स्टार्ट हुआ है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से ही आपने बनाना स्टार्ट किया है ग्राफ को, तो देखिए एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या था, जीरो। लेकिन सेकेंड केस में क्या है, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, दिस इज योर टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस है आपकी, तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे आपकी कुछ एक डिस्प्लेसमेंट था, इनिशियल कुछ डिस्प्लेसमेंट था, तो मतलब बॉडी क्या थी, बॉडी यहां से स्टार्ट की थी, लेकिन फर्स्ट वाले केस में क्या है, बॉडी यहां से स्टार्ट की है मूव करना, दैट्स।
इसी में तीसरा केस है, तीसरा केस हमको स्टार्ट करना है। थर्ड केस क्या है इसमें, थर्ड केस है कि अगर मान लीजिए थर्ड हमने क्या, थर्ड टाइप ऑफ मोशन क्या पढ़ा था, थर्ड टाइप ऑफ मोशन था बेसिकली हमने उस समय रेस्ट की बात देख ली थी। तो एक तो रेस्ट हमने देख लिया, दूसरा पहला टाइप ऑफ मोशन था वो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला, उसका ग्राफ हमने देख लिया। उसके बाद क्या आता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो तीसरा केस हम यहां पर देख रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब हो गया एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट है, जो त्वरण है आपका वो क्या है, वो पूरे मोशन में समान है, एक समान तो कॉन्स्टेंट है, राइट। तो अब आपका जो एस टी ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, तो देखिए जब एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट होता है तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन क्या होता है। हम लोग अगर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वो क्या देती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको देती है एस और टी के बीच का रिलेशन, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस प्लस हाफ ए बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस हो सकता है अगर ये आपका जो है डेसीलरेशन हो वो कोई बात नहीं। बेसिकली आपको यहां से क्या देखना है कि ग्राफ का पैटर्न कैसा होगा, एस टी ग्राफ बनाना है तो एस और टी के बीच का रिलेशन कैसा है, स्क्वायर में है, इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक है, दैट मीन्स जो ग्राफ आपका बनेगा वो पैराबोला होगा, ठीक है, पैराबोला होगा, ठीक है, पैराबोलिक होगा, ठीक है। अब जो स्क्वायर आपका होगा वो पैराबोलिक होगा, ठीक है। एस टी कर्व अगर मैं देखूं इसके लिए, अब देखिए पैराबोला क्या हो सकता है, अब मैं उसको नहीं कंसीडर कर रहा हूं कि यहां से ग्राफ स्टार्ट करूं या यहां से, इसका मतलब आप समझ गए, अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब मोशन आगे से स्टार्ट हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट के, और यहां से स्टार्ट होगा तो मोशन स्टार्टिंग पॉइंट से होगा, राइट। तो अब वो तो क्लियर है, तो बेटर है कि अब ये समझा जाए कि ग्राफ पैराबोला होगा। तो अब देखिए पैराबोला दो तरीके का हो सकता है, एक तो ये हो सकता है, ठीक है, और दूसरा कैसा हो सकता है, दूसरा दूसरा ये भी हो सकता है, इसी में अगर मैं बनाऊं तो पैराबोला इस तरीके से भी बन सकता है, तो ब्लैक कलर और जो ब्लू कलर वाला है इस तरीके से भी बन सकता है, राइट। तो अब दोनों को समझते हैं कि दोनों का मतलब क्या होगा, देखिए कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन का ग्राफ आपको पैराबोलिक मिलेगा अगर पैराबोला इस पैटर्न का पैराबोला है, राइट। तो देखिए ये क्या शो कर रहा है, ठीक है, मतलब अब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो आप भी जानते हैं या तो ये एक्सीलरेशन होगा या डेसीलरेशन होगा, तो वो मुझे इस पैटर्न से मिलेगा कि ये एक्सीलरेशन है या डेसीलरेशन। कैसे, देखिए आप जानते हैं कि ये टेंजेंट क्या शो करता है, एसटी कर्व में, एसटी कर्व में जो टेंजेंट का स्लोप होता है थीटा, एसटी कर्व में जो टेंजेंट का स्लोप होता है थीटा वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी होता है टेन थीटा। तो अगर थीटा आपका इंक्रीज कर रहा है, सबसे पहले तो अगर थीटा आपका इंक्रीज कर रहा है तो टेन थीटा इंक्रीज कर रहा है, टेन थीटा इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। अगर थीटा डिक्रीज करेगा तो टेन थीटा की वैल्यू डिक्रीज करेगी और वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो अभी हम यहां पर देख रहे हैं, देखिए ये कुछ एक एंगल बना रहा है, ठीक है, ये कुछ एक एंगल बना रहा है,
यहाँ पर जो स्लोप, यहाँ पर जो टेंजेंट मैंने बनाया ये भी कुछ एक एंगल बना रहा है। तो देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, ये देखिए आपका स्लोप क्या होता जा रहा है, आपका स्लोप जो है, आपका स्लोप जो है पैरेलल मतलब टाइम एक्सिस की तरफ गिरता जा रहा है। आपका स्लोप क्या हो रहा है, देखिए आप यहाँ पर स्लोप बनाएंगे ऐसे, उसके ऊपर किसी पॉइंट पे स्लोप बनाएंगे तो ये हो जाएगा, इसके ऊपर बनाएंगे ये जाएगा। तो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं तो आपका आपका जो टेंजेंट है वो टाइम एक्सिस की तरफ झुकता जा रहा है। दैट मीन्स व्हाट, कि जो वो एंगल जो हम लेते हैं थीटा, जो ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं थीटा, ये क्या हो रहा है कम होता जा रहा है, थीटा कम होता जा रहा है तो मतलब वेलोसिटी कम होती जा रही है, वेलोसिटी कम होती जा रही है मतलब कि ये ग्राफ जो आपका बना ये किसका है, डेसीलरेशन। यहां पर क्या हो रहा है, डेसीलरेशन, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये डेसीलरेशन का ग्राफ हो गया। अब सेकेंड पैटर्न वाला क्या होगा, ऑब्वियसली एक्सीलरेशन होगा, लेकिन जरूर चेक कर लेते हैं। देखिए सेकेंड पैराबोला किस पैटर्न का आ सकता है, पैराबोला ऐसा हो सकता है। अब यहां पर मैं बार बार तो नहीं बनाऊंगा, तो आप यहां समझ सकते हैं ये क्या हो रहा है, एज यू आर मूविंग फॉरवर्ड तो ये क्या हो रहा है, स्लोप, स्लोप आपका जो है वो, स्लोप आपका क्या कर रहा है, स्लोप आपका इंक्रीज हो रहा है। ये देखिए जो टेंजेंट है आपका, जो टेंजेंट हर पॉइंट पे होगा वो टेंजेंट कैसा होता जाएगा, ऊपर की तरफ उठता जाएगा, मतलब टूवर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, तो टाइम एक्सिस से वो एंगल ज्यादा बनाने लगेगा, राइट। तो टेन थीटा आपका क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और टेन थीटा क्या है यहाँ पर वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व जो होता है उसका स्लोप वेलोसिटी होता है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है आपकी इंक्रीज कर रही है, इसलिए ये क्या शो करेगा, एक्सीलरेशन, यहाँ पर एक्सीलरेशन। नेक्स्ट कर्व हमारा है वेलोसिटी टाइम कर्व, ठीक है। तो पहले कोई भी ऐसा जनरल कर्व लेते हैं, उसमें सपोज ये वेलोसिटी विद टाइम, टाइम एक्सिस वेलोसिटी, सपोज ये कोई एक ग्राफ, ये कोई एक ग्राफ है, सपोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो अब देखिए जब वाई एक्स ग्राफ था, अब इसमें सबसे पहले जब भी ग्राफ हम बनाते हैं, कर्व और ग्राफ एक ही बात है, अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो आपको पता है कि एरिया, किसी भी ग्राफ में क्या दो चीज देखते हैं, एरिया और स्लोप, ठीक है। अब देखिए एरिया, एरिया विद द एक्स एक्सिस देखते थे, वाई एक्स ग्राफ में एरिया क्या होता था, एरिया विद एक्स एक्सिस, यहां पर एक्स एक्सिस में क्या है, टाइम एक्सिस, तो एरिया विद टाइम एक्सिस। जब वाई एक्स ग्राफ होता था तो वहां पर एरिया क्या होता था, वाई डी एक्स, राइट, उसी का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यही होता था एरिया, राइट। यहां पर वी टी ग्राफ का एरिया क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे हमारा वी है, एक्स एक्सिस पे हमारा टी है, वी डी टी, तो उसका इंटीग्रेशन। अगर हम ये किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में निकालना है, सपोज ये टी वन है और ये टी टू,
तो टी वन से टी टू के बीच में अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमको कौन सा एरिया देगा, एरिया अंडर द ग्राफ विद द टाइम एक्सिस, ये वाला एरिया राइट, एरिया अंडर द ग्राफ विद द टाइम एक्सिस, ठीक है। अब ये क्वांटिटी जो होती है बी डी टी, ये क्या होता है, ये जो क्वांटिटी होती है बी डी टी ये क्या होता है, ये क्वांटिटी बी डी टी जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर ये वेलोसिटी है तो ये बी डी टी जो इंटीग्रेट होकर देगा वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब अगर ये वेलोसिटी नहीं, ये आपका अगर स्पीड ले लो, स्पीड डिस्टेंस यहां पर लिखा होगा, अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सी अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वैसे यहां पर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है, बताता हूं क्यों। देखिए वेलोसिटी क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, डायरेक्शन के लिए और हम लोग कौन सा ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ एक ऐसी बॉडी का है जो बॉडी वन डायमेंशन में मोशन कर रही है, मोशन इन वन डायमेंशन का ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है। अब मोशन इन वन डायमेंशन में जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन का ख्याल कौन रखता है, साइन, ठीक है, उस क्वांटिटी के आगे जो साइन लगा होगा नेगेटिव और पॉजिटिव वो डायरेक्शन का ख्याल रखता है। अब देखिए टाइम t1 से t2 के बीच में वेलोसिटी किस तरफ है, जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ है, तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है। अभी इसका देखेंगे जब हम लोग मोशन डिस्क्राइब करेंगे कैसा मोशन हो रहा है वो देखेंगे, लेकिन लेकिन बात क्या है, बात यह है कि वेलोसिटी टी वन से टी टू के बीच में ग्राफ कैसा है, नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है, मतलब ये बता रहा है कि ये वेलोसिटी ही है। अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ होता, अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ होता तो फिर आपका नेगेटिव डायरेक्शन में कुछ होता ही नहीं, क्यों, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी के लिए ग्राफ हम नेगेटिव डायरेक्शन में क्यों ले जाएंगे, जाएगा ही नहीं, राइट, ठीक है। तो ग्राफ देख के ही समझ में आता है वेदर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या स्पीड टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसका एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा, और अगर स्पीड टाइम ग्राफ होता तो उसका एरिया आपको डिस्टेंस दे देता, ठीक है। हाँ, डिस्टेंस हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, ग्राफ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना थोड़ा अलग मेथड है, वो हम अभी क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, ठीक है। सो सी अब यहां पर एरिया विद द टाइम एक्सिस, जो हमारा जो वीटी कर्व का जो एरिया होता है, हम कह सकते हैं क्या देगा, हमको डिस्प्लेसमेंट देगा, और स्लोप जो होगा वीटी कर्व में वो क्या देगा, स्लोप होता क्या है, स्लोप होता है dy by dx, स्लोप होता है dy by dx, यहां पर y एक्सिस में क्या है, v है, और x एक्सिस में क्या है, t है, तो स्लोप क्या होगा। अब स्लोप होता क्या है वो तो जानते ही है, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो जो टाइम एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, दैट एंगल का टेन ले लेंगे, टेन थीटा, दैट विल बी, तो यहां पर जो स्लोप है वो क्या है, डीवी बाई डीटी, तो डीवी बाई डीटी ये क्या होता है, नथिंग बट एक्सीलरेशन, तो वीटी कर्व का स्लोप क्या देता है, वो देता है एक्सीलरेशन, राइट। चलिए अब इसमें केसेस देखते हैं वन बाई वन, जैसे हमने अभी प्रीवियसली, अच्छा इसको पहले इस ग्राफ को समझते हैं, ये ग्राफ क्या शो कर रहे हैं। देखिए अगर मैं ये एक ऐसे पार्टिकल का ग्राफ है जो कि मोशन कर रहा है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल ने जब स्टार्ट किया, अब देखिए ये तो पता नहीं है कि ये पार्टिकल ने कहां से स्टार्ट किया है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो है नहीं, तो हम मान के चलते हैं जहां से भी पार्टिकल ने स्टार्ट किया है वही स्टार्टिंग पॉइंट है, और सपोज वो ओरिजिन है, और पार्टिकल ने स्टार्ट किया सपोज कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ घूमना स्टार्ट किया, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ये पार्टिकल ने स्टार्ट किया मोशन अपना, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, पार्टिकल अपना, देखिए पूरे टाइम पे वेलोसिटी क्या है, पूरे टाइम पे देखिए वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर वेलोसिटी कम भी हो रही है, मतलब ये क्या शो कर रहा है, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड शो कर रहा है ना, ये जो वैल्यू, क्योंकि अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी हर टाइम पे देखिए पहले बढ़ रही है फिर घट रही है, ठीक है। तो टी वन टाइम तक वेलोसिटी क्या होती है, घटती जाती है, घटती जाती है, और टी वन पे आके ये जीरो हो जाती है,
तो T1 टाइम पर ये क्या होगा, पार्टिकल यहाँ इस तरफ जाएगा, कैसे जाएगा, पहले इंक्रीज करेगी वेलोसिटी, फिर धीरे धीरे ये स्लो होने लगेगी, राइट। और एक पॉइंट आफ्टर टाइम T1 ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो हो गई। आफ्टर टाइम T1 ये क्या होगी, वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो एट T1, ठीक है। T1 पे वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। वेलोसिटी जीरो होने के बाद देखिए वेलोसिटी नेगेटिव होने लगी, ठीक है। अब नेगेटिव हो रही है, देखिए पहले अब नेगेटिव हो रही है मतलब कि ये पार्टिकल वापस आने लगा। आफ्टर टाइम एट टाइम T1 पार्टिकल क्या होगा, पार्टिकल घूम जाएगा, ठीक है, पार्टिकल घूम जाएगा और पार्टिकल घूमने के लिए थोड़ा सा रुकेगा, तो वही वेलोसिटी जीरो हुई और उसके बाद वापस आने लगा। जब ये वापस आने लगा तो देखिए अब मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या है, देखिए नीचे जा रहा है, तो नेगेटिव में अगर वैल्यू देखें तो वैल्यू बढ़ रही है नेगेटिव में टाइम के साथ, तो पहले इंक्रीज करेगी वेलोसिटी, उसके बाद क्या होगा, फिर धीरे धीरे पहले इंक्रीज करेगी फिर धीरे धीरे डिक्रीज करने लगेगी। और टाइम टी टू आएगा जहां पर फिर से वेलोसिटी जीरो हो जाएगी एट T2, ठीक है। T2 पे वेलोसिटी फिर से जीरो हो गई, अब वापस ये जाने लगेगा। अब ये T2, अब ये पॉइंट जो है टाइम T2 पे ये डिपेंड करता है, वो हमको निकालना पड़ेगा अपना एरिया के कितना दूर गया कितना नहीं यहां से, तो अकॉर्डिंगली वो अब ये पॉइंट आगे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, राइट। तो वो हमको देख के नहीं पता चलेगा, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब लेकिन यहां से वापस ये जाने लगा क्योंकि वेलोसिटी फिर से पॉजिटिव होने लगी, तो T2 के बाद ये वापस अपने इनिशियल डायरेक्शन में मूव करने लगा। अब वन बाय वन हम देखते हैं केसेस, फॉर डिफरेंट केसेस जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो कैसा हो। केस वन, केस वन क्या है, पहला केस है कि बॉडी जो है वो किस पे है, रेस्ट पे, राइट। फर्स्ट केस है बॉडी किस पे है, रेस्ट पे, ठीक है, बॉडी रेस्ट पे है। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वेलोसिटी जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी जीरो होगी तो मतलब क्या है, अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं तो टाइम अपने आप, टाइम तो कभी रुकेगा नहीं, टाइम तो बढ़ता ही जाएगा, तो आपको लेकिन वेलोसिटी जीरो रहेगी तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। अब यहां पर ऐसा नहीं होगा कि ये ग्राफ भी आपको जीरो वेलोसिटी देगा, राइट, क्योंकि थोड़ा सोच समझ के करिए, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये क्या है, ये पोर्शन आपको डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी दे रहा है, ठीक है। ये जो अभी मैंने ग्राफ बनाया वो किसका होगा, वो होगा ऑब्वियसली अगर ग्राफ ऐसा है तो मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी टाइम के साथ साथ वही वेलोसिटी मेंटेन कर रहा है पार्टिकल, टाइम के साथ साथ वही वेलोसिटी मेंटेन कर रहा है पार्टिकल, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो कि हमारा सेकेंड केस है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में क्या होगा, ये vt हो गया, ठीक है, और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से पार्टिकल आगे अपना बढ़ता जाएगा, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया, ठीक है। तीसरा केस क्या था, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जब भी वर्ड आप यूनिफॉर्म देंगे इसका मतलब क्या है, हम कांस्टेंट होने की बात कर रहे हैं। हालांकि अभी हम आगे कुछ चैप्टर्स में देखेंगे कि यूनिफॉर्म होने का मतलब अलग होता है, कांस्टेंट होने का मतलब अलग होता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल जब तक हम लोग मोशन की बात कर रहे हैं, स्पेशली मोशन इन वन डायमेंशन की, तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, कांस्टेंट से ही मतलब समझिए, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब है कि अगर मैं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनाऊं, अगर मैं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ सॉरी
अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब है एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, मतलब है डीवी बाई डीटी कांस्टेंट है। डीवी बाई डीटी कांस्टेंट है मतलब डीवी बाई डीटी होता क्या है, स्लोप टेन थीटा, तो टेन थीटा कांस्टेंट है, तो ये एक कांस्टेंट स्लोप की लाइन होगी। जस्ट लाइक जैसा एसपी कर्व में हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ग्राफ मिलता था, ठीक है। तो ये देखिए ये कांस्टेंट स्लोप की लाइन है। अब यहां पर हम लोग एक दूसरा केस, मतलब दूसरा केस या दूसरा ग्राफ भी देख सकते हैं इसी में कि सपोज, या मैं अगर रेड कलर से इसमें बना रहा हूं, ये ग्राफ ब्लू कलर वाला ग्राफ क्या दिखा रहा है, ब्लू कलर का दिखा रहा है ग्राफ कि ये एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एक क्योंकि थीटा कांस्टेंट है, दैट मींस 10 थीटा कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन का कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन है, ठीक है। अच्छा थीटा एक्यूट है, थीटा एक्यूट है तो 10 थीटा पॉजिटिव होगा, तो दैट इज 10 थीटा पॉजिटिव होगा तो मतलब ये एक्सीलरेशन हो रहा है, 10 थीटा पॉजिटिव होगा मतलब कि ये एक्सीलरेशन हो रहा है, ठीक है। क्या है ये थीटा एक्यूट, थीटा इज एक्यूट, 10 थीटा एक्यूट का मतलब होता है थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। 10 थीटा मतलब हो गया, तो थीटा फॉर थीटा लेस देन 90 डिग्री 10 थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब 10 थीटा पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया, कि स्लोप पॉजिटिव है मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब ये इट इज एक्टिंग एज एन एक्सीलरेशन ओनली, मतलब ये एक एक्सीलरेशन की तरह ही काम कर रहा है, डेसीलरेशन नहीं है, राइट। हाँ दूसरा ग्राफ क्या हो सकता है, दूसरा ग्राफ एक कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ ये भी हो सकता है, दूसरा कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ ये भी हो सकता है दूसरा, राइट। तो अब इसमें समझिए, इसमें समझिए ये कांस्टेंट स्लोप है, लेकिन ये क्या दिखा रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे जो इनिशियल वेलोसिटी जो यू है वो जीरो नहीं है, ये वाला ग्राफ दिखा रहा है टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे जो इनिशियल वेलोसिटी वो यू है, बस उतना ही डिफरेंस है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा, ठीक। सिमिलरली एक कांस्टेंट स्लोप की बीटी ग्राफ में एक कांस्टेंट स्लोप लाइन हमारी ऐसी भी हो सकती है, ये भी एक कांस्टेंट स्लोप लाइन है जिसमें एंगल जो है वो कैसा है, एंगल आपका अगर मैं देखूं टाइम एक्सिस के साथ ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूस मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। 180 से कम होगा, 180 डिग्री से कम होगा और 90 डिग्री से ज्यादा होगा, तो अब ये क्या है, ये दिखा देगा कि जो आपका जो स्लोप है, आई थिंक आपको पता है ये कैसा होगा, टेन 180 माइनस थीटा, ठीक है। और ये बीटी ग्राफ का स्लोप है तो ये होता क्या है, एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। तो ये अब जो एक्सीलरेशन है वो आपका कैसा है, 10 180 माइनस थीटा दैट इज माइनस 10 थीटा, वेयर थीटा क्या है, थीटा इज दिस, राइट। तो नाउ यू कैन सी कि नेगेटिव आ रहा है तो मतलब ये क्या है, ये डेसीलरेशन को शो कर रहा है। तो अब बात करते हैं, अगर सपोज आपके पास कोई बीटी कर्व दिया गया है,
राइट। अगर वीपी कर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर पे कौन सा है वेलोसिटी, अगर स्पीड टाइम ग्राफ कर पे तो मैं बता चुका हूं कि उसमें तो डायरेक्टली जो एरिया रहेगा वो डिस्टेंस रहेगा। बेसिकली हमारे पास क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर पे। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर दिया है देन हाउ टू कैलकुलेट displacement and distance, displacement and distance, okay. How to calculate displacement and distance, right? अगर ये speed time graph होता तो directly को जो भी area होता वो क्या होता distance देता। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो बेसिकली आपको जो एरिया होगा वो क्या देगा डिस्प्लेसमेंट देगा। लेकिन अगर मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों, तो वी कैन फाइंड आउट, हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही। तो सपोज वही सपोज करिए आपके पास एक जनरल ये कर्व है राइट, जनरल कर्व है। तो ये टाइम टी वन है, ये टाइम टी टू है। इसका अभी हम लोग देख चुके हैं कि पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है। ये ओरिजिन है स्टार्टिंग पॉइंट जो कि हम कंसीडर करते हैं, ओ से लेके टी वन तक टाइम टी वन तक पार्टिकल इस तरफ जा रहा था राइट। ओ से लेके टाइम टी वन तक पार्टिकल आई मीन टाइम जीरो सेकेंड से लेके टाइम टी वन तक पार्टिकल इस तरफ जा रहा था एट टी वन। T1 पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी और ये फिर क्या होगा नेगेटिव होने लगेगा और ये घूम के वापस जाने लगता है राइट। T2 तक ये वापस जाएगा, सपोज यहां पर एट टाइम T2 ये पार्टिकल इस पार्टिकल यहां पर है। O से A गया टाइम T1 लगा, A से वापस B आया टाइम T2 लगा राइट। A से वापस B आ गया तो एट T2 ये B पे था एट टाइम T2, मतलब A से लेके B तक आने में कितना टाइम लगा T2 माइनस T1 ठीक है। अब इसके बाद अभी फिलहाल मैं वो ग्राफ इरेज कर देगा। अब मुझको निकालना है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ फ्रॉम टाइम T इज इक्वल टू जीरो टू T इज इक्वल टू टू। तो देखिए आपको पता है ये वाला एरिया कैसा आएगा, ये वाला एरिया आएगा आपको पता है ये वाला एरिया क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी ठीक है। और ये क्या आएगा जो भी ये एरिया आएगा ये पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव है इस एरिया में, वेलोसिटी इस एरिया में हम वेलोसिटी यहां पर पॉजिटिव है, ये पूरे पूरे ग्राफ में वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव है। तो ये जो एरिया आएगा ये पॉजिटिव आएगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया भी क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डी टी, और ये वाला एरिया कैसा आएगा नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर हमारी थ्रू आउट T1 टू T2 हमारा जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है। तो ये एरिया जो वी डी टी होता है वो कैसा आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा ठीक है, वो कैसा आ जाएगा नेगेटिव ठीक है। अब समझिए अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना है तो हम लोग ये जो एरिया है एरिया ए वन और एरिया ए टू ठीक है, एरिया ए वन और एरिया ए टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम इसको एल्जेब्रिकली एल्जेब्रिक एडिशन करेंगे, मतलब उनके साइन के साथ एल्जेब्रिक एडिशन, मतलब जो भी एरिया को जब मैं एरिया ए वन को ऐड करूंगा तो ये पॉजिटिव होगा और एरिया ए टू ऐड होगा तो ये नेगेटिव साइन के साथ नेगेटिव साइन के साथ ऐड होगा ठीक है। ए वन माइनस ए टू ठीक है, इसको ऐसे भी समझिए। देखिए ए वन एरिया क्या दे रहा है टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से टी इज इक्वल टू टी वन के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ राइट। तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से टी इज इक्वल टू टी वन के बीच में ये कितना डिस्टेंस चला है ओ ए, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी कहिए अभी फिलहाल, क्योंकि एक ही तरफ जा रहा था ठीक है, तो ओ ए चल रहा है ठीक है, ये ओ ए गया। अब वापस क्या हुआ एट टाइम टी वन ये ओ ए पे था, एट टाइम टी वन ये ओ ए पे था,
फिर देखिए T1 से T2 में क्या हुआ, ये वापस आने लगा, वापस आने लगा, और T1 से T2 के बीच में ये कहां पर आया, बी तक आ गया, ठीक है, बी तक आ गया। अब ऑब्वियसली अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो आप डिस्प्लेसमेंट क्या बताओगे, ओबी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस ओबी। ओबी क्या होगा, ओबी होगा ओए माइनस एबी, ठीक है। अब ओए माइनस एबी, देखिए जो एरिया ए टू है वो आपको कौन सा डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, ए टू बी वाला, और एरिया ए वन जो है वो आपको कौन सा डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, ओ टू ए वाला, राइट। तो ओए माइनस एबी ही इज इक्वल टू ओबी होगा, ठीक है। तो ये जो फाइनल, ये फाइनल आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात हो, सपोज आपसे अगर मैं डिस्टेंस, यहीं पर आपसे अगर मैं डिस्टेंस पूछता हूं तो डिस्टेंस आप क्या बताओगे, टोटल डिस्टेंस जो इसमें थ्रू आउट जीरो से लेंगे टी टू तक हुआ, तो डिस्टेंस होगा ओ ए प्लस ए बी। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा ओ ए प्लस ए बी, राइट। ओ ए प्लस ए बी का मतलब क्या है, एरिया ए वन प्लस एरिया ए टू, एरिया ए वन प्लस एरिया ए टू, मतलब कि जब मुझे डिस्टेंस निकालना होगा, जब मुझे डिस्टेंस निकालना होगा, देखिए OA क्या है, OA मैंने बताया A1 जो होगा एरिया वो OA देगा, और A2 जो होगा एरिया वो कौन सा देगा, AB देगा। अब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस में OA प्लस AB टोटल लेंथ ऑफ द पाथ होता है, तो हम ऐड करते हैं, तो यहां पर अकॉर्डिंगली एरिया जो निकलेगा वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम डिस्टेंस निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो एरिया अबव द टाइम एक्सिस और एरिया बिलो द टाइम एक्सिस दोनों ऐड होंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्योंकि एरिया बिलो द टाइम एक्सिस कैसा आता है, नेगेटिव, और एरिया अबव द टाइम एक्सिस पॉजिटिव। बट जब डिस्टेंस निकालना है तो हम सारे एरिया जितने भी हो, ऐसे करके 5-6 एरिया बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, अगर ग्राफ और आगे जा रहा है और ऊपर नीचे जा रहा है टाइम एक्सिस के, तो ऐसे जितने भी एरिया बनेंगे, आप अगर डिस्टेंस निकालनी है तो सारे एरिया को ऐड करेंगे, भले वो टाइम एक्सिस के नीचे हो ऊपर हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, ठीक है, आप उन सबको ऐड करेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फिर एलजेब्रिक एडिशन का मतलब होता है कि जितने ऊपर वाले हैं वो पॉजिटिव अगर मान लो तो वो पॉजिटिव एरिया, माइनस जो जितने नीचे वाले हैं उनका सबका साइन नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव साइन के साथ आएंगे, दैट इज A1 माइनस A2। नाउ नेक्स्ट कर्व इज, अगला हमारा जो ग्राफ है वो है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ एटी कर्व, देखिए इसमें फिर वही बात आती है कि अगर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है, ठीक है, अगर ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, इस केस में फोर्थ क्वाड्रेंट ये होता है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ कभी दिखेगा नहीं आपको अगर वो टाइम के साथ है, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव होगा नहीं, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ की बात ही नहीं करेंगे अगर एक्स एक्सिस पे टाइम है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मतलब कि ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब जो ग्राफ होगा वो क्या दिखाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर बनता है आपका ग्राफ तो वो क्या दिखाएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब डेसीलरेशन है। तो अब इसमें दो जो बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है विद एनी ग्राफ, वो होता है एरिया विद द टाइम एक्सिस, एरिया विद टाइम एक्सिस और स्लोप, ठीक है। देखिए एरिया विद द टाइम एक्सिस यहां पर क्या देगा, सपोज ये कोई भी ग्राफ है ऐसे, ठीक है, दिस इज एनी ग्राफ, ठीक है, ये कोई भी एक ग्राफ होना है, तो एरिया विद द टाइम एक्सिस क्या देगा, ये ग्राफ एरिया विद द टाइम एक्सिस देगा, वाई एक्स ग्राफ होता है तो एरिया क्या होता है, वाई डी एक्स होता है, राइट। यहां पर वाई की जगह ए है और एक्स की जगह टी है, तो एरिया क्या हो जाएगा, ए डी टी इंटीग्रेशन। अगर अब वो पर्टिकुलर किसी टाइम के बीच में आपसे पूछा गया तो आप अकॉर्डिंगली लिमिट्स रख देते हो, T1 से T2 के बीच में अगर पूछा गया तो लिमिट्स रख दोगे T1 से T2,
ठीक है। बट बेसिकली ये जो आपका एरिया आया ये क्या देगा, एडीटी। एडीटी क्या होता है, एडीटी होता है सिर्फ वेलोसिटी नहीं बल्कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी देगा, सिर्फ वेलोसिटी नहीं देगा, क्योंकि ये होता है एडीटी क्या होता है, डीवी डेल्टा वी, तो चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा आपको, चेंज इन वेलोसिटी देगा। स्लोप क्या देगा, स्लोप देखिए, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा मतलब डी ए बाई डी टी, ऐसी कोई भी, ऐसा कोई भी पैरामीटर हमने पढ़ा नहीं है, तो स्लोप बस आपको क्या देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो उसका रेट ऑफ चेंज दे देगा बस, कितनी कैसे मतलब कितना तेजी से आपका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है बस वो देगा, पर ये कोई क्वांटिटी नहीं होती, इसलिए जनरली स्लोप का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में स्लोप का कोई मतलब नहीं, जस्ट लाइक एसटी ग्राफ में एरिया का कोई मतलब नहीं है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एरिया का कोई मतलब नहीं है। हाँ बट कुछ केसेस हैं, उन केसेस के लिए कैसा बनेगा हमारा एक्सीलरेशन टाइम वो देख लेते हैं। पहला केस होता है रेस्ट, तो अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे है तो वेलोसिटी भी जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो है ऐसा तो हो नहीं सकता, वेलोसिटी जीरो है एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, ठीक है, रेस्ट पे है तो बेसिकली एक्सेलरेशन भी जीरो है। तो वेलो आई मीन रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, तो ये आपका ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ये टाइम एक्सिस है और ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, समान वेग से जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो ग्राफ कैसा बनेगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, तो फिर से वैसे ही ग्राफ बन जाएगा जैसा रेस्ट में मिल रहा था, ये ए ये टाइम एक्सिस, ठीक है। देन थर्ड क्या है, थर्ड है आपका, थर्ड है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो कोई बात नहीं, आपको कैसे ग्राफ मिलेगा, यू विल गेट पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, राइट, ग्राफ आपका कैसा होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है, टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एक्सेलरेशन हर पॉइंट हर टाइम पे सेम है, कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये एक्सेलरेशन ना होगा डेसीलरेशन है तब ग्राफ कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं डेसीलरेशन है तो ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बस ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना होके अब किस में हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब ये फर्स्ट है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो यहां पर ग्राफ बनेगा, ये आपका किसका हो जाएगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन मतलब रिटार्डेशन या डेसीलरेशन जो भी कहना है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट ईयर मेंस में आया था, आई थिंक 2019 का, 2019 जेईई मेंस का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको।
मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। Along the positive x-axis, along the a particle starts from origin O from rest and moves with uniform acceleration along the positive x-axis. Identify which of the following graphs. Following graphs holds true, ठीक है, holds true. पहला ग्राफ है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. पहला ग्राफ है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. दूसरा ग्राफ दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तीसरा ग्राफ दिया है फिर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है. फोर्थ ग्राफ दिया है तीसरा ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया था जो वो ये है. फोर्थ ग्राफ दिया है एक्सटी ग्राफ वो ये है. एंड फिफ्थ ग्राफ बी एक्सटी ग्राफ. ये पांच ऑप्शन नहीं है. ये आपको ग्राफ दिया है, ऑप्शन में आपको दिया है कौन कौन सा सही है, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 5 लाइक दैट, ठीक है. तो ये भी एक एक्सटी ग्राफ और दिया है, एक्स हम लोग जो एस मान रहे थे वो एक्स की फॉर्म में दिया है बस, और कुछ नहीं. तो ये एक्सटी ग्राफ आपको दिया गया है. तो अब इनमें से पूछा गया है कौन सा करेक्टली इसको डिफाइन कर रहा है. तो ये देखिए क्या बोल रहा है, पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है. ओरिजिन से स्टार्ट करने का मतलब है कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा. तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कर्व में ये वाला तो गायब हो गया, ये गलत है, ठीक है. तो ये वाला हो सकता है सही, देखते हैं. ये तो गलत है, ये तो नहीं होगा, ये श्योर हो गया. पहली बात है कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ही जीरो होगा. दूसरा देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, शुरुआती जीरो है. एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे आपकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी. अब ये दो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व दिए गए तो ये वाला कैंसिल हो गया, ये सही नहीं होगा, ठीक है. बाकी बचे तीन ही बचे, ठीक है. अब वो बोल रहा है कि एक्सेलरेशन और कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वो तो भी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन. तो एटी ग्राफ सही है. वीटी ग्राफ देखिए, वीटी ग्राफ अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो डीवी बाई डीटी क्या होता है, स्लोप क्या है, देखिए थीटा कांस्टेंट होना चाहिए, वो है, तो ये सही हो गया, ठीक. थीटा इसमें भी कांस्टेंट है,
लेकिन क्या है प्रॉब्लम कहां पर आ रही है इस ग्राफ में कि ये रेस्ट से लिखा हुआ है स्टार्ट हो रहा है बट यहां पर t इक्वल टू जीरो पे इसकी सर्टेन कुछ वेलोसिटी है, ये रेस्ट से नहीं स्टार्ट हो रहा, ठीक है। उसके बाद देखिए जब एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होता है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होता है, x इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो पैराबोला, ठीक है। अच्छा पैराबोला तो अब बस यही पैराबोला है, ये तो पहले ही कर दिया, ठीक है। तो आंसर जहां पर भी आपका फर्स्ट सेकेंड और फिफ्थ होगा वो आंसर। एक और क्वेश्चन 2019 जेई मेंस का ही देखते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। अ पार्टिकल starts from the origin at time t is equal to zero। And moves along the positive x-axis and moves and moves, ये लिखा है a particle starts from the origin at time t is equal to zero and moves along the positive x-axis, moves along the positive x-axis The graph of the velocity with respect to time दिया गया आपको, graph of velocity with respect to time, what is the position of the particle at time t is equal to 5 seconds, ठीक है, the graph as shown, ठीक है, what is position of particle at time t is equal to 5 seconds, तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे पार्टिकल, अच्छा ग्राफ जो दिया गया है ग्राफ ये, ग्राफ है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, ये 1 2 3 7 8 9 10 7 8 9 10, ठीक है। ये टाइम दिया गया इस तरफ सेकेंड्स में, ये है आपका टाइम इन सेकेंड्स और ये वेलोसिटी आपकी दी गई है वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, इसके वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड इधर टाइम इन सेकेंड, ठीक है। अब ग्राफ है
So, ये ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है, देखिए 0 to 2 सेकेंड्स तक जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा है, 0 to 2 सेकेंड तक कांस्टेंट स्लोप की लाइन है, ठीक है। तो ये 0 to 2 सेकेंड तक फर्स्ट 2 सेकेंड जो है पार्टिकल कैसा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन कर रहा है। और क्वेश्चन में लिखा है कि स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, तो इनिशियली देखिए वो ओरिजिन पे था, ठीक है। अब स्टार्ट कर रहा है और किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो इस तरफ ही जा रहा है, राइट। अब आपसे पूछ रहा है कि ये आपको बता दिया गया, मोशन आपको क्लियर हो गया। अब पहले ये 2 सेकंड बहुत ये क्या है एक्सीलरेशन से जाएगा, वो भी कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन, फिर 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो 2 सेकंड बाद अब जो ये चलेगा डिस्टेंस वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। पहले 2 सेकंड तक जो डिस्टेंस ये चलेगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कुछ भी कर लो अभी, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, जो भी ये डिस्प्लेसमेंट चलेगा वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन पे कवर करेगा जितना भी चलेगा। उसके बाद अगले 1 सेकंड, अगले 2 सेकंड तक, 2 to 4 सेकंड, अगले 2 सेकंड तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलेगा, राइट, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये डिस्टेंस कवर करेगा जितनी भी करेगा अगले 2 सेकंड। फिर उसके बाद देखिए आपसे 5वें सेकंड पे आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। देखिए फिर 5वें सेकंड में, 5वें सेकंड में भी क्या है, वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव है तो आगे ही जा रहा है, ठीक है। 5 सेकंड तक अगर हम देखें तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव है तो आगे ही जा रहा है, दैट मीन्स ये वापस नहीं आ रहा है, और स्टार्ट इसने ओरिजिन से करा था। तो अब जो भी डिस्टेंस ये कवर करेगा अगले 5 सेकंड में, दैट इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा, वो आपकी डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। वही डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वो जहां तक 5 सेकंड बाद पहुंचेगा वो आपकी पोजीशन भी हो जाएगी, वही आपकी पोजीशन भी हो जाएगी। पोजीशन क्या है, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट करा है तो फाइनल पोजीशन क्या होगी, जितना दूर है वो ओरिजिन से और वो एक्स डिस्टेंस है मान लीजिए, तो वो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट यहां पर सेम ही है, राइट, क्योंकि इनिशियल पोजीशन हो गया थी 0, तो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट यहां सेम है। तो अब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले 2 सेकंड तक आप v इज इक्वल टू यू प्लस एक ऐसे, मतलब 3, क्योंकि कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन है, तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में से जो भी सूटेबल लगे वो अप्लाई करके आप पहले 2 सेकंड तक निकालिए कि कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर अगले 2 सेकंड में निकालिए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी पे, ठीक है, दैट इज वी इंटू टी, मतलब वी कितना है 2 है, 2 मीटर पर सेकेंड, टी कितना है 4 - 2, 2 सेकेंड, तो 2 × 2 = 4 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अलग 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 टाइम पीरियड में अलग अलग फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब पहले कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाले मोशन में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करते हैं, तो वो यूज करके या तो निकालिए इस तरीके से अलग अलग करिए, ठीक है, या फिर आप अब इतना सीख ही चुके हैं कि अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद द टाइम एक्सिस वो क्या देता है, वो आपको देता है एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट होता है R2 - R1,
आर टू माइनस आर वन, अब आर वन तो जीरो था क्योंकि यहां से स्टार्ट किया था, ठीक है, तो अब जो भी पोजीशन आपसे पूछी है वो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, वी डी टी, ठीक है। अब यहाँ इंटीग्रेशन करना नहीं है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, बस एरिया से मतलब है। यहां तो देखिए आपको इजिली आपको जो है जो शेप मिल रहा है ग्राफ का, वो शेप क्या है, कैसा है, एक रेगुलर शेप है, इरेगुलर शेप तो है नहीं, तो इसके एरिया की तो आपको फॉर्मूलाज आते हैं, ये हो गया ट्रायंगल, ये हो गया रेक्टेंगुलर एरिया, और ये फिर से वही हो गया रेक्टेंगुलर, सॉरी यहां तक आपको नहीं जाना, आपको कहां तक निकालना है, पांच सेकंड तक, तो ये वाला एरिया आप यूज करो, ठीक है, तो जितना शेडेड एरिया है वो आप निकाल लीजिए। तो देखिए ये वाले ट्रायंगल का एरिया, ये वाले ट्रायंगल का एरिया ये कितना हो जाएगा, हाफ बेस, बेस है टू, टू सेकेंड इंटू हाइट क्या है, टू टू मीटर पर सेकेंड, प्लस हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये कितना आ जाता है, टू आ जाता है, टू मीटर आएगा क्योंकि ये मीटर, ये सेकेंड में मीटर पर सेकेंड। ये वाला देखिए, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है टू, ब्रेथ भी टू है, तो टू इंटू टू दैट इज फोर मीटर। अब ये वाला एरिया देख लीजिए, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया अगेन थ्री इंटू वन, थ्री, ठीक है, थ्री मीटर, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द ग्राफ आप पूछ लीजिए, एरिया फ्रॉम, एरिया अंडर ग्राफ फ्रॉम टी इज इक्वल टू जीरो टू टी इज इक्वल टू फाइव सेकेंड, या सिंपली जीरो से जीरो टू फाइव सेकेंड, वो कितना आया, टू मीटर प्लस ये कितना आएगा, टू मीटर सब निकाल के रखे हुआ है, प्लस फोर मीटर प्लस थ्री मीटर, तो नौ, नौ मीटर आ गया, तो नौ मीटर आपका आंसर भी, आप जहां पर भी ऑप्शन में होगा तो आप बता दीजिए नौ मीटर आंसर, ठीक है। तो ये तो हमारा ग्राफ हो गया, ग्राफ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं, अब हम क्या देखने जा रहे हैं, अब हम देखने जा रहे हैं मोशन, जो मोशन इन वन डायमेंशन हमने पढ़ा है उसका एक एग्जाम्पल, एक अप्रोक्सीमेटली परफेक्ट एग्जाम्पल है मोशन इन वन, अप्रोक्सीमेटली है मोशन इन वन डायमेंशन का, एक्चुअली ये एग्जाम्पल ही है, क्या फ्री फॉल, फ्री फॉल अंडर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, फ्री फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, देखिए फ्री फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अगर बॉडी गिर रही है, मतलब बॉडी का मोशन गिर ही नहीं रही है, फ्री फॉल एक्चुअली गिर रही है लेकिन बॉडी का मोशन गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में जो है आपका क्या होता है, वो एक एग्जाम्पल है मोशन इन वन डायमेंशन का, ठीक है। अब देखिए बेसिकली फ्री फॉल जो मोशन है, ठीक है, फ्री फॉल मोशन का ये डेफिनेशन है कि अगर मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हो रहा है, ठीक है, मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अगर हो रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये फ्री फॉल है, आप ये बोल सकते हैं
द मोशन दैट सोलली अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. फ्री फॉल की डेफिनेशन क्या है? द मोशन दैट सोलली अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है. देखिए, अगर मैं इस पेन को ऐसे छोड़ू राइट, तो ये क्या होगा? ये नीचे क्यों जा रहा है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है, ठीक है. तो ये मोशन क्या हो रहा है? ये मोशन हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो ये फ्री फॉल के अंडर आ जाएगा. लेकिन कुछ लोगों को कंफ्यूजन क्या हो जाता है, कुछ लोगों का कंफ्यूजन हो जाता है कि फ्री फॉल इसलिए है क्योंकि हमने इसको जस्ट ड्रॉप किया है. ड्रॉप करने का मतलब है इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इसलिए ये फ्री फॉल है, ठीक है. ऐसा नहीं है. अब फ्री फॉल क्या होता है? सिर्फ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हो रहा है. मान लीजिए आप स्पेस पे हैं, स्पेस पे अगर आप इस पेन को ऐसे छोड़ दें तो ये नीचे आएगा नहीं, तब ये फ्री फॉल मोशन में नहीं होगा. अभी ये फ्री फॉल मोशन में है क्योंकि द मोमेंट यू लीव इट, जब आप इसको छोड़ते हैं तो ये तुरंत क्या होता है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये नीचे आने लगता है, ठीक है. अगर मैं सोचू इसको ऊपर की तरफ थ्रो करूं, ठीक है, तो भी जो भी मोशन होगा वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होगा, क्योंकि जब ये ऊपर जा रहा होगा तो क्या हो रहा होगा? इसकी स्पीड कम हो रही होगी. स्पीड क्यों कम हो रही होगी? स्पीड इसलिए कम हो रही होगी बिकॉज ये जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है. तो ये भी फ्री फॉल के ही अंडर आएगा बिकॉज ये जो मोशन होगा पूरा ऊपर से नीचे तक जो आएगा जो भी होगा ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होगा. ऊपर से मैं अगर ऐसे थ्रो करता हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टेड, मतलब जनरली क्या होता है प्रोजेक्टेड क्वेश्चन में आप देखोगे तो प्रोजेक्टेड अपवर्ड होता है राइट, प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड भी हो सकता है. अगर मैं नीचे की तरफ फेंकूं तो उसको बोलेंगे प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड, ठीक है. तो ये मोशन, अब इसके बाद एक बार आपने थ्रो करा स्पेस पे जाके आप थ्रो करिए, जहां पे भी आप थ्रो करके छोड़ोगे वो वहीं रह जाएगा, ठीक है. मतलब वहीं नहीं रहेगा, जितना आपके फोर्स से जितना आगे वो जा सकता है उतना जाएगा. उसके बाद ऐसा नहीं है वो कंटिन्यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जाने लगेगा. लेकिन यहां पे आप थ्रो करेंगे तो ये पूरा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मोशन होने लगेगा, ठीक है. तो वो भी क्या होता है? वो भी आएगा आपका फ्री फॉल मोशन में, राइट. तो आप ये कह सकते हैं द बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड और डाउनवर्ड और ड्रॉप. ये मोशन किस तरीके, इसको तीन पार्ट में देख सकते हैं. क्या? जो बॉडी है उसको आपने प्रोजेक्टेड अपवर्ड, मैंने क्या बताया, प्रोजेक्टेड मतलब आप फेंक रहे हो, प्रोजेक्टेड अपवर्ड, ठीक है, या फिर बॉडी प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड, या फिर बॉडी ड्रॉप्ड. ड्रॉप का मतलब क्या होता है? ड्रॉप्ड का मतलब आपने इसको बस छोड़ दिया. तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो. दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय ड्रॉप्ड, ठीक है. तो ये सारी ही जो है ड्रॉप्ड मीन्स बेसिकली आप इसमें ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट. अब ये मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन ही होगा, ठीक है. आप ये लिख सकते हैं वर्टिकल मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. तो हम वर्टिकल की बात करें, जब वर्टिकल की बात करें तो मतलब ये 90 डिग्री पे प्रोजेक्टेड अपवर्ड या प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड, फ्लोर से ग्राउंड से 90 डिग्री पे प्रोजेक्टेड अपवर्ड या प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड, तो ठीक है. तो ये वर्टिकल मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, जो कि फ्री फॉल में.
अब ये मोशन होगा कैसा? ये मोशन होगा कैसा? ये मोशन होगा अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जब तक आप किसी एंगल पे नहीं देखो, आप सीधा, मैंने क्या बोला है, 90 डिग्री पे आप वर्टिकल मोशन हम देख रहे हैं। तो ये मोशन होगा कैसा? मोशन बॉडी जब ऊपर जा रही है तो देखिए क्या हो रहा है, स्पीड कम हो रही है, ठीक है, हम एक पूरा ही मोशन ले ले रहे हैं ऐसे, बॉडी को आपने मान लीजिए ये बॉल जो है, दिस बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, आपने ऊपर की तरफ फेंका है बॉल, बॉल ऊपर जाएगी क्या होगा, ये कुछ महसूस करेगी जिसकी वजह से इसका जो वेलोसिटी है वो कम होने लगेगा, वो क्या महसूस करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, उस फोर्स की वजह से क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर नीचे की तरफ लगेगा, इनिशियल वेलोसिटी आपने बॉडी को ऊपर की तरफ दी थी, ठीक है, अब बॉडी क्या होगा ऊपर तक जाएगी और यहां पर जाकर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और फिर ये वापस आने लगेगी। फिर ये देखिए ए से बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी गई और फिर पॉइंट बी से वापस पॉइंट ए पे आएगा, तो एक मोशन इसका हो रहा है ए टू बी हो रहा है, ठीक है, और दूसरा मोशन हम लोग इस मोशन को टोटल मोशन को डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, एक ए से बी और दूसरा बी से ए, ठीक है, एक ए से बी दूसरा बी से ए। अब आप देखिए पहले तो जब इसको बोल रहे हैं कि ये कैसा मोशन होगा, टाइप ऑफ मोशन जो हमने पढ़े हैं उसमें से ये कैसा होगा, पहले ये सोचिए टाइप हमने जो पढ़े हैं टाइप ऑफ मोशन, ये कौन से टाइप का मोशन है, ये देखिए ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो रही है क्या, ग्रेविटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ठीक है, तो ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन काइंड ऑफ मोशन है, आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टाइप का मोशन है, ठीक है। अब आप इसके ये बताइए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, चलिए ठीक है, इसका ये समझते हैं, सपोज यहां पर कोई एक बॉडी ए है, यहां पर कोई एक बॉडी बी है, दोनों इनिशियली, या यहां पर ए भी हम अभी फिलहाल कुछ और, एक बॉडी बी है एक बॉडी क्यू है, ठीक है, दोनों को इनिशियली मैंने क्या रखा है, दोनों को इनिशियली मैंने सेम हाइट पे रखा है, ठीक है, सेम हाइट पे रखा है, सेम हाइट पे है तो देखिए दोनों सेम हाइट पे हैं, ठीक है, अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी दोनों को आपने क्या करा, ड्रॉप किया, ड्रॉप किया मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी दोनों की जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की जीरो है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछ लूं कि टाइम क्या होगा जब ये दोनों आगे नीचे हिट करें, टाइम क्या होगा, तो देखिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ भी लग रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, तो क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन हम मान रहे हैं तो हम यहां पर कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, किस लिए मैं यूज कर रहा हूं ये इक्वेशन, मुझे टाइम निकालना है वेन दीज टू बॉडीज विल हिट द ग्राउंड, जब ये दोनों बॉडी हिट करेंगी ग्राउंड को, तो सपोज ये जो पी है बॉडी पी, ये जब हिट करेगी ग्राउंड को तो ये टीपी टाइम के बाद करेगी, मतलब ये एट टाइम टीपी ये बॉडी हिट करेगी ग्राउंड को, क्यू जो होगी एट टाइम पी क्यू ये बॉडी हिट करेगी ग्राउंड को, हमको यही फाइंड आउट करना है, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे, यू दोनों का जीरो है
तो देखिए पहले मैं लिखूंगा एसपी इज इक्वल टू यू जीरो है हाफ एपी टी स्क्वायर। सिमिलरली एस क्यू क्या हो जाएगा, एस क्यू हो जाएगा हाफ ए क्यू टी स्क्वायर, सॉरी यहां टी पी स्क्वायर ये टी क्यू स्क्वायर, ठीक है। एसपी एस क्यू सेम है, ठीक है। एच तो एच इज इक्वल टू हाफ एपी भी क्या है जी है तो जी, टीपी क्या है टीपी सपोज टीपी टीपी स्क्वायर, एस क्यू क्या है एस क्यू है हाफ ए क्यू क्या है जी है, एस क्यू क्या है एस क्यू एच है, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी क्यू स्क्वायर। अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन वन ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां से समझ आएगा कि टीपी क्या है टी क्यू के बराबर। मतलब कि अगर मैं किसी भी कोई भी दो बॉडी लेता हूं, अगर मैं कोई भी दो बॉडी लेता हूं इनको सेम हाइट से अगर मैं ड्रॉप कर रहा हूं सेम टाइम पे, सेम हाइट से अगर मैं ड्रॉप कर रहा हूं सेम टाइम पे तो दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ ही दोनों जो है ग्राउंड को हिट करेंगे, ठीक है। अगर मैं दोनों को सेम टाइम पे ड्रॉप कर रहा हूं ऊपर से तो ये दोनों एक ही टाइम पे हिट करेंगी ग्राउंड को। ऐसा कब, जब हमने माना कि कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन मोशन है ये, तब ऐसा हो रहा है, ये हमने देखा भी, ठीक है। बट आप ये समझिए कि अगर आप एग्जांपल लें एक पेज का, पीस ऑफ पेपर का और किसका एक पेन का, और दोनों को सेम हाइट से छोड़िए तो पीस ऑफ पेपर आराम से ऐसे ऐसे जाएगा, पेन जाके तुरंत ही हिट कर देगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, जबकि अकॉर्डिंग टू हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्या है, हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग पेज हो या पत्थर हो दोनों ही क्या होंगे, अगर सेम हाइट से हम छोड़ेंगे तो दोनों एक साथ स्ट्राइक करेंगे। तो इसका मतलब है कि जब हम इसको इसको किसको ये जो फ्री फॉल है, ठीक है, ये जो फ्री हमारा जो मोशन अंडर ग्रेविटी है, राइट, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी है, इसको अगर मैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन मान रहा हूं दैट मींस इसके पीछे कुछ एक जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन मान रहा हूं तभी ऐसा हो रहा है, ठीक है। बट कांस्टेंट एक्सीलरेशन मानने के पीछे कुछ एक कंडीशन है, क्योंकि हमने देखा पीस ऑफ पेपर और पेन के साथ ये चीज ये एनालिसिस हमारी फिट नहीं बैठ रही, ठीक है। तो इसका मतलब है ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कब माना जा सकता है, इसके पीछे कोई कंडीशन है। तो पहले इसका कारण समझिए, ऐसा क्या होता है कि पेज धीमे धीमे जाता है। देखिए पेज के लिए, पेज को जब आप छोड़ना है तो पेज की थिकनेस इतनी कम है, पेज का वेट इतना कम है कि उसके लिए जो एयर रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई हो जाता है कंपेयर्ड टू ये पेन। पेन का वेट ज्यादा है, पेज का वेट नेग्लिजिबल है पेन के सामने, इसलिए पेज को एयर का रेजिस्टेंस जो मिलता है नीचे जाते समय वो उसके लिए उसके वेट से ज्यादा हो जाता है, मतलब वेट से ज्यादा नहीं होता है, मतलब वेट के कंपेरेबल हो जाता है, इसलिए वो उसके लिए आप एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। पेन के केस में क्या है, पेन का वेट एयर रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा है, तो पेन के केस में आप एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मीन से मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस मोशन को वर्टिकल मोशन अंडर द ग्रेविटी को, ठीक है, अगर मैं वर्टिकल मोशन अंडर द ग्रेविटी को वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी अगर इसको मैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन बोल रहा हूं तो उसके पीछे एक हमारा एजम्पशन क्या है, एक एजम्पशन है, ठीक है, एज्यूम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। दूसरा क्या करना है, दूसरा देखिए हम लोग जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करेगी वैसे वैसे क्या होता है, आई थिंक अगर कुछ लोगों को याद हो तो जो
जो जी है उसका रिलेशन आर के साथ क्या होता है, उसका रिलेशन डिस्टेंस, मतलब आर क्या है, आर है रेडियस, डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये होता है कुछ ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, ये होता है रेडियस ऑफ अर्थ, आर इज जब रेडियस ऑफ अर्थ, कुछ ऐसा हमने पढ़ा, ठीक है। तो यहां पे क्या दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे रेडियस ऑफ अर्थ मतलब अर्थ के ऊपर आप दूर जाने लगोगे तो जी की वैल्यू कम होनी चाहिए, अर्थ के ऊपर आप दूर जाने लगोगे तो जी की वैल्यू कम होनी चाहिए, लेकिन यहां पर हम लोग जी ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग बॉल ऊपर फेंक रहे हैं, बट जी को हम कॉन्स्टेंट ले रहे हैं, तो वाई, बिकॉज वी आर नेग्लेक्टिंग दिस एनालिसिस, इसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ये जो वेरिएशन है इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी आप हाइट पे फेंक पाओगे, कितनी हाइट पे फेंक पाओगे, 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर, लेकिन जो अर्थ की रेडियस होती है वो होती है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, तो उसको देखते हुए 40-50 मीटर कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये जो हाइट की वजह से जो वेरिएशन आएगा जी की वैल्यू में वो कुछ हो गई नहीं, जो अर्थ की सरफेस पे वो कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड, वो भी वेरी करता है, पोल पे 10 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए पोल पे जाके 10 हो रहा है, 9.8 है, तो इतना वेरिएशन है, हाइट के अकॉर्डिंग 10 मीटर 50 मीटर पे आप अगर निकालोगे तो 9.8 को देखते हुए जो चेंज आएगा वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, मतलब जो वैल्यू कम होगी वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी, मतलब इट विल बी, अगर आप आर का वेरिएशन लो भी, मतलब 50 मीटर आप ऊपर पे करो तो जो वेरिएशन होगा आर में वो इतना कम होगा कि हम उसको नेग्लेक्ट करना है। तो हम वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट नेग्लेक्ट करना है, क्यों नेग्लेक्ट करना है, बिकॉज जो हाइट है दैट इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो सेकेंड एजम्पशन यही है कि वेरिएशन ऑफ जी विद रेस्पेक्ट टू वेरिएशन ऑफ जी, जी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में जो चेंज होगा हाइट की वजह से उसको नेग्लेक्ट करना है, जब हम ये जो एजम्पशन हम मान रहे हैं देन हम लोग ये कह रहे हैं कि तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी है ये कैसा होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, राइट। तो अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन की एनालिसिस के लिए या अगर इस पे बेस कोई प्रॉब्लम आती है उसके सॉल्यूशन के लिए हमको पता है क्या यूज करना है, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। लेकिन अब थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन इसको यहां इस पे वर्टिकल मोशन के लिए यूज करने में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे कि यहां पर क्या है, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सेम है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे ही लग रहा है, लेकिन यहां पर जब मोशन पार्टिकल का जो है ए टू बी हो रहा है तब ये एक्सीलरेशन किसकी तरह काम कर रहा है, डेसीलरेशन की तरह काम कर रहा है, ठीक है, एक्सीलरेशन डेसीलरेशन की तरह काम कर रहा है। और अगर पार्टिकल का मोशन बी टू ए है जब तो यही एक्सीलरेट कर रहा है पार्टिकल को, ठीक है, यही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पार्टिकल की वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, ठीक है, और यहां पर घटा रहा है ए टू बी के मोशन में। तो होता क्या है कि यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, अगर ये दोनों तरफ अलग अलग एनालिसिस करेंगे, यहां पर पहले इक्वेशन यूज करें इस तरीके से कि v इज इक्वल टू यू प्लस 80 वाली और यहां पर v इज इक्वल टू यू माइनस 80 वाली, राइट, मतलब एक्सीलरेशन को नेगेटिव साइन के साथ लें, मतलब हर तीनों इक्वेशन में अकॉर्डिंगली आपको पता है कि यहां पर जब डेसीलरेशन है तो माइनस 80 लगेगा और यहां पर प्लस 80 लगेगा, ठीक है। तो अलग अलग एनालाइज नहीं करना है क्योंकि हमको मोशन इन टू डायमेंशन भी पढ़ना है, वहां पर भी हमारे लिए इजी हो जाता है अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन की वेक्टर फॉर्म को समझें। इक्वेशन ऑफ मोशन की अब वेक्टर फॉर्म को समझते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ काइनेमेटिक्स इक्वेशंस, काइनेमेटिक्स इक्वेशंस की वेक्टर फॉर्म को समझ लेते हैं। ठीक है,
पहली इक्वेशन अगर होती है v इज इक्वल टू यू प्लस के पी, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वेक्टर लगा दीजिए। लेकिन वेक्टर लगाने से इसका कुछ मतलब भी चेंज हो जाता है, ये देखते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, वेक्टर लगा दीजिए जो जो वैल्यूज वेक्टर है उनके ऊपर, ठीक है, वेक्टर लगा दीजिए जो जो वैल्यूज वेक्टर है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इसको कैसे लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में ये थर्ड इक्वेशन को लिखेंगे, मॉड ऑफ v स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ v स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ u स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ u स्क्वायर प्लस टू। अब ये कौन सा प्रोडक्ट है? देखो लेफ्ट हैंड साइड पूरी स्केलर है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, राइट हैंड साइड भी स्केलर होनी चाहिए, तो ये तो स्केलर है ही है। लेकिन अब a और s दोनों ही क्या है? a और s दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं। वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन दो तरीके का होता है, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है एक वेक्टर। स्केलर वाला हम लोग यहाँ यूज करेंगे क्योंकि इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड स्केलर है, तो ऑब्वियसली a डॉट s, इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड अगर वेक्टर फॉर्म है मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो राइट हैंड साइड भी पूरा मैग्नीट्यूड ही होना चाहिए मतलब स्केलर फॉर्म। तो ये देखिए मैग्नीट्यूड ही है और ये भी a डॉट s स्केलर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जब इक्वेशन लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है? हमने अगर एरो पुट कर दिया, तो एरो पुट कर दिया मतलब कि एरो में अब ऑलरेडी क्या है, एरो अपने आप में डायरेक्शन को भी इंक्लूड करता है, राइट, एरो अपने आप में डायरेक्शन को भी इंक्लूड करता है, ठीक है। तो जैसे मैथ्स में हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है, जैसे मैथ्स में हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं, वैसे ही अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म को जब सॉल्व करना होगा तो वापस स्केलर फॉर्म में लिखना होगा, वापस स्केलर फॉर्म में लिखना होगा, क्योंकि एडिशन सब्सट्रैक्शन जब आप करोगे तो वेक्टर फॉर्म में नहीं स्केलर फॉर्म में करोगे। तो सपोज आप जैसे आपको यहां पर क्या है कि ये वाली इक्वेशन यूज करनी है, सपोज फर्स्ट इक्वेशन इस पॉइंट के लिए, ठीक है, तो सपोज आपका क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी किसी टाइम टी, किसी मान लीजिए टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे इनिशियली यू वेलोसिटी आपने दी, ठीक है, तो किसी भी टाइम टी पे, किसी भी टाइम टी पे आपसे पूछा गया कि आपसे पूछा गया कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, आपसे पूछा गया कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अब आपको मालूम है कि देखिए ये टाइम टी जो दिया है, अगर इस टाइम टी में बॉडी ए टू बी जा रही है तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी ऊपर की ही तरफ होगी। अगर इस टाइम टी में, ये टाइम टी अगर जो है इस टाइम टी तक अगर बॉडी अभी इसी पाथ पे थी, ऊपर जा रही थी, तो फाइनल वेलोसिटी जो आएगी वो ऊपर की तरफ आएगी। अगर टाइम टी पर बॉडी ए टू बी क्रॉस कर चुकी हुई उसके बाद नीचे की तरफ आ रही है, जब टाइम टी, मान लीजिए जिस टाइम टी पे आपसे वेलोसिटी पूछी गई है, हो सकता है उस टाइम टी तक बॉडी ऊपर जाके वापस नीचे आने लगी हो, तब आपकी वेलोसिटी भी जो होगी वो नेगेटिव आएगी, ठीक है, तब आपकी वेलोसिटी भी नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो अब या तो ये करें कि पहले ये देखें कि किस टाइम पे वेलोसिटी अपने टॉप मोस्ट पोजीशन पे होगी, मतलब जहां पे हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, जब हाईएस्ट पॉइंट पे होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, वो पुट करेंगे, तो आप टाइम निकालेंगे, फिर जो टाइम पे आपसे वेलोसिटी पूछी गई वो देखेंगे इससे कम है या इससे ज्यादा, इससे कम है अगर जिस टाइम, ये जो टाइम आपने निकाला जब आपकी पार्टिकल जो है हाईएस्ट पॉइंट पे था, वो टाइम आप कैसे निकालोगे, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि यहां से ये रिटर्न लेना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो आपने सपोज टाइम निकाल लिया, अब उस टाइम के कि अब आपसे पूछा गया था किसी गिवन टाइम टी पे, तो अब आप इसको कंपेयर करोगे कि ये टाइम जो, जिस टाइम से आपसे पूछा गया वेलोसिटी, ये उस टाइम से ज्यादा है या कम, ज्यादा है तो मतलब ये पार्टिकल अब वापस आ रहा था तो वेलोसिटी भी नीचे की तरफ होगी, कम है तो ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी अभी ऊपर की तरफ होगी।
अब अकॉर्डिंगली फिर मतलब अगर आप ये वाली एनालिसिस यूज कर रहे होते कि इसको पाथ को ये जो रिटर्निंग नेचर है मतलब ये पूरा वर्टिकल है, वर्टिकल मोशन है अंडर ग्रेविटी, इसको आप डिवाइड करते दो पाथ में और ये वाली अप्रोच फॉलो करते, तो आपको ये सब काम करना पड़ता है ना। दिस इज कंबर्सम प्रोसेस, मतलब बहुत टाइम लेगा ये, है ना, फालतू है। तो अगर आपसे किसी भी टाइम टी पे मान लीजिए पूछा गया है कि वेलोसिटी बी क्या होगी, ठीक है, और आपको दिया गया है कि इनिशियली आपने इसको इट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद वेलोसिटी यू, मतलब वेलोसिटी यू से इसको ऊपर की तरफ फेंका गया था, एंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड ऑलवेज, यू नो दैट, ये तो आप जानते ही हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे ही होता है, ठीक है। तो अब आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है, आपका ये हेडेक भी नहीं है, टाइम इसके बाद का है कि इसके पहले का कुछ नहीं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन को अप्लाई करना है थोड़ा सा सावधानी से। सावधानी का मतलब बेसिकली आपको जब आप एरो हटाओगे ना, देखिए एरो लगा है मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो वैल्यूज पुट करते समय आपको प्रॉपर ध्यान देना है कि एक तो इसका मैग्नीट्यूड पुट करोगे, उसके बाद इसके लिए इसका डायरेक्शन भी इंक्लूड करोगे, मतलब इसका डायरेक्शन के साथ आप बताना है। तो अब यहां पर क्योंकि ये वन डायमेंशनल मोशन है तो यहां पर हम डायरेक्शन कैसे बताते हैं, साइन कन्वेंशन से। तो बस साइन कन्वेंशन आप याद रखिए, आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है इस तरीके के क्वेश्चंस में, ठीक है। कभी भी मोशन इन वन डी आता है, साइन कन्वेंशन आपको यूज करना है, ठीक है। वन डायमेंशनल मोशन में हमेशा साइन कन्वेंशन से ही हम लोग डील करते हैं, इसके लिए डायरेक्शन के लिए। तो जितनी भी क्वांटिटीज ऊपर की तरफ डायरेक्शन होंगी, जितनी भी क्वांटिटीज का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा वो पॉजिटिव, नीचे की तरफ होगा वो नेगेटिव, ठीक है। अब आपका ये हेडेक ही नहीं है, टाइम आप बात का है पहले का है। आप क्या करोगे, आप इसी इक्वेशन को यूज करोगे, तो आप क्या करोगे, वी को ऐसे ही लिखा रहने दोगे क्योंकि ये निकालना है आपको, वी को वेक्टर साइन के साथ ऐसे ही लिखा रहने दो क्योंकि ये निकालना है। यू आपको दिया गया था, यू की सपोज कुछ वैल्यू दी गई है, सपोज 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो U आपको दिया गया, अब आपके साइन कन्वेंशन के हिसाब से U शुड बी पॉजिटिव क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्टेड था, तो आप यहां पर लिखोगे क्या, प्लस साइन के साथ आप लिखोगे तो, ठीक है। अब टाइम T, सपोज आपका टाइम T था 15 सेकेंड्स, टाइम T था 15 सेकेंड्स, ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकेंड से भेजा है आपने। अच्छा, अब AT माइनस प्लस AT है, तो जब A को जब आप ओपन करोगे, एक तरह से जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं, बाहर 2 लिखा अंदर 3, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 2 × 3 करते हैं ना, वैसे ही जब आप ये एरो हटाओगे तो समझो एरो हटाने के बाद आपको दो चीज देखनी है, एक तो मैग्नीट्यूड आप पुट करोगे, ऊपर से डायरेक्शन साथ में। तो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन किसके साथ पुट करोगे, साइन कन्वेंशन बताएगा क्या डायरेक्शन है, तो नीचे की तरफ सब नेगेटिव माना है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जी, और टी कितना आपने लिया है 15, ठीक है, जो भी टी आपने कितना लिया है 15 सेकेंड लिया है, ठीक है। तो ये 2 माइनस जी, जी कितना होता है, सपोज हम अगर 10 ले लें, ठीक है, तो ये देखिए नेगेटिव में आंसर आ रहा है, ठीक है, 140, ठीक है। ये एक आर्बिट्रेरी वैल्यूज ले ली है, टाइम बहुत ज्यादा ले लिया, इसलिए ऐसी आ रहा है, वो कोई इश्यू नहीं है। मेन मेरा हेडेक क्या था कि देखिए वेक्टर वी का आंसर आया, आपने वी के ऊपर से अभी वेक्टर नहीं हटाया था क्योंकि वही निकालना था, तो आप उसको ऐसे ही रखा रहे, वी वेक्टर वी का आंसर आया, मतलब वेक्टर वी का आंसर क्या है, -148 मीटर पर सेकेंड, मतलब मैग्नीट्यूड है 148 और डायरेक्शन है नेगेटिव, मतलब कि ये नीचे की तरफ कहीं जा रहा होगा। एक क्वेश्चन है, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, A man is standing on the top of the building.
throws a ball with a speed 5 meter per second, throws a ball with a speed 5 meter per second from 30 meter height, from 30 meter height. Above the ground level, from 30 meter height above the ground level. How much time it takes to reach the ground? How much time it takes to reach the ground? How much time it takes to reach the ground? मतलब एक आदमी है standing on the cliff of a tower. मतलब cliff of the tower क्या? ये समझ लीजिए कि ये कोई बिल्डिंग है. इस बिल्डिंग पे कोई आदमी खड़ा है. इसने क्या करा, ये कोई बॉल है. ये बॉल को इट थ्रोज अपवर्ड दिस बॉल विद ए स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड. तो u आपको दिया है ये ऊपर की तरफ है विद ए स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड. अब बॉल का मोशन देखिए कैसा होगा. बॉल यहां से ऐसे गई और ये आके वापस स्ट्राइक करेगी ग्राउंड पे. ठीक है, ये जाएगी बॉल और ये आगे स्ट्राइक करेगी. तो अब ये मान लीजिए ये जब इसने फेंका है तो इससे कितनी देर बाद ये जाके स्ट्राइक करेगी ग्राउंड को, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है. ये क्वेश्चन आपसे, ये सो दिस इज योर ग्राउंड. ये आपका ग्राउंड है, ये बॉल आके स्ट्राइक कर रही है. कितनी देर में आगे स्ट्राइक करेगी. और ये आपको बिल्डिंग की हाइट भी दे दी गई क्योंकि यहां पर लिखा है कि विद अ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम 30 मीटर हाइट. तो 30 मीटर हाइट मतलब कि ये ही 30 मीटर हाइट है. ठीक है, तो एच है 30 मीटर ग्राउंड से 30 मीटर हाइट पे. हाउ मच टाइम इट टेक्स, तो कितने टाइम बाद ये आएगी. अब देखिए ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे की तरफ होगा. ठीक है, हमको आउट ऑफ द थ्री, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए थ्री. क्या v इज इक्वल टू यू प्लस ए थ्री अप्लाई करें तो हमको टाइम मिल जाएगा. u पता है, g a पता है, v नहीं पता है. राइट, v मीन्स जिस स्पीड से स्ट्राइक करेगा, v नहीं पता है. तो फर्स्ट इक्वेशन इज नॉट वैलिड. सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. मतलब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब देखिए हम वेक्टर फॉर्म को यूज करेंगे. नहीं, अगर स्केलर को यूज करेंगे तो आपको याद रखना है कि व्हाट इज एस, डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये इक्वेशन हम किन दो पॉइंट्स के बीच में लगा रहे हैं. एक पॉइंट तो ये है, एक पॉइंट तो ये है जहां मतलब क्लिफ ऑफ ये टावर और इस साइड को हम कुछ नहीं समझ रहे हैं. ये सेम 30 मीटर से ही मान रहे हैं फेंका है. ठीक है, तो एक तो पॉइंट ये है जहां से बॉल को थ्रो किया गया अपवर्ड. ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा बॉल जब स्ट्राइक कर रही है. तो ये दो पॉइंट हैं, इनके बीच में ही हम लगा रहे हैं अपनी इक्वेशन. एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. तो पहले पोजिशन थी बॉल की टावर के ऊपर, दूसरी पोजिशन बॉल की है ग्राउंड को हिट कर रही है. ठीक है, तो वो टाइम हमको अब निकालना है. तो देखिए अब इस इक्वेशन को कैसे ओपन करेंगे. हमको टाइम निकालना है, बाकी सारी वैल्यूज हमको पुट करनी है. एस की वैल्यू यहां पर क्या लेंगे. देखिए डिस्टेंस तो ये पूरी हो गई, डिस्टेंस तो ये पूरी हो गई, पर मुझे यहां डिस्टेंस नहीं, मुझे रखना है डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है. अब मतलब ये डिस्टेंस नहीं लेनी है, मतलब ये नहीं होगा स्टार्टिंग एंड देन. मतलब ये वी आर कंसिडरिंग कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो
तो ये यू गया वापस आ गया। तो देखिए आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर हो गया। लेकिन बात आती है कि साइन क्या लेंगे, साइन क्या लेंगे। तो देखिए साइन, हम लोग साइन कन्वेंशन क्या यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे कि ऊपर की तरफ जो भी वैल्यूज हैं पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। अब ये h तो हाइट है, अगर ये h हाइट है इसके लिए हम साइन क्या लेंगे, तो साइन ए लेंगे कि डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन, स्टार्ट पोजिशन टू एंड पोजिशन, तो यही डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट का। एंड दिस डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, तो यहां पर हम लोग क्या पुट करेंगे, माइनस 30, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे माइनस 30 इज इक्वल टू यू। यू देखिए अपवर्ड डायरेक्टेड है, तो ये प्लस 5 आएगा, तो 5t प्लस हाफ। अब ए क्या है, ए तो डाउनवर्ड ही है, तो डाउनवर्ड हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव है, तो आई पुट हेयर माइनस, माइनस रख देंगे माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जी को अगर हम थोड़ी देर के लिए 10 रख लें तो ये 5t स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी 5t स्क्वायर, इसको उस तरफ ले जाओ तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर 5 से डिवाइड कर दिया और एक की तरफ ले गए सारी टी स्क्वायर एंड टी को, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 0। तो यहां से आई थिंक इट्स क्लियर कि ये टी माइनस 3 टी माइनस 2 हो जाएगा 0, ठीक है। 3 2 6 3 3 माइनस 2t लिख सकते हैं यहां, ठीक है, तो ये t माइनस 3 t प्लस 2 होगा, t माइनस 3 माइनस 3t प्लस 2t, तो t माइनस, तो अब या तो t माइनस 3 0 होगा या फिर t प्लस 2 0 होगा, या तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड होगा या फिर t इज इक्वल टू माइनस 2 सेकेंड होगा, तो ये तो वैलिड है नहीं कि टाइम माइनस में हो, तो ये आंसर होगा नहीं, आंसर होगा t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। सो दैट्स इट फॉर टुडे, यहां इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कल से मोशन इन टू डायमेंशन। एक ग्राफ देखना है इसी वर्टिकल मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, एक एसटी ग्राफ, बीटी ग्राफ, एडी ग्राफ देख के देन वी विल स्टार्ट मोशन इन टू डायमेंशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।